उम्मीद आप खैरियत से होंगे रुकने अली खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन ट्रैफिक पुलिस के साथ मौजूद हूँ और आज ट्रैफिक के शऊर के लिए आगाही के लिए एक रैली का एहतमाम किया जा रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक जनाब मार अफजल। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मार्च 2024 को CM साहब पंजाब साहबा की हदायत पर और एडिशनल IG साहब ट्रैफिक RPO साहब मुल्तान और राना उमर फ़ारूक खानेवाल की खसूसी हदायत के पेश नज़र आज खानेवाल के सिटी एरिया में हम ज़ेर क़यादत जनाब राना उमर फ़ारूक DPO साहब खानेवाल की निगरानी में एक रैली का एहतमाम किया जा रहा है और जिसमें खानेवाल के शहरियों को ये ट्रैफिक हादसात और आए दिन इनसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो इस सिलसिले में हेलमेट की अफादियत और अंडर एज की ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग ओवर ड्राइविंग के खिलाफ लोग में आवाम में शहूर पैदा करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया है और जो जिसकी स्टार्टिंग DPO ऑफिस से होगी, इसके बाद SP चौक संगलावाल SP चौक रेलवे स्टेशन चौक फ्लाई ओवर से होते हुए जिम खाना पर इख्तिताम पसीर होगा। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये जो रैली होगी वो DPO ऑफिस से होकर SP चौक से होकर जिम खाना पर जाके इख्तिताम पसीर होगी। ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक अवेयरनेस रैली का इनेकाद किया जिसका बेसिकली मकसद ये था कि जो हमारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो कि भारी तादाद में हैं वो हर रोज़ आए रोज़ ट्रैफिक के हादसा का शिकार हो जाते हैं और जब भी कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो देखने में आता है कि अमूमी तौर पर उसने दौरान ट्रैफिक सवारी मोटरसाइकिल सवारी उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। तो आज की इस रैली का मकसद ये था कि ट्रैफिक की अवेयरनेस जो है वो अमूमी तौर पर तमाम लोगों को दिया जाए लेकिन खसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल को डेली इस्तेमाल में लेकर आते हैं जिनमें आप मैं और हमारे सब जानने वाले शामिल हैं, उनको ये बताया जाए कि ये जो हेलमेट है इसका इस्तेमाल दौरान ट्रैफिक की मोटरसाइकिल की सवारी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वो चीज़ है जिससे कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सकता है। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे खानेवाल के उन जवान बच्चों का जो आज अपनी बड़ी खूबसूरत बाइक्स जिनमें से एक बाइक पर मैं इस वक्त खुद भी बैठा हुआ हूँ वो इस रैली का हिस्सा बने। उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया और बड़ी गर्मजोशी के साथ इस रैली में उन्होंने शिरकत की। मैं उन तमाम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इस तरह की रैली जो हैं वो होती रहेंगी और आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा उन वालदैन को कि आप अगर अपने बच्चों को ट्रैफिक में भिजवाते हैं एक तो 18 साल से कम उम्र को किसी भी सूरत आप किसी किस्म की गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सवार ना होने दें और जो आपके लाइसेंस याफ्ता बच्चे हैं उनको हेलमेट लाजमन प्रोवाइड करें, उसके बगैर मोटरसाइकिल की सवारी ना करने दें। सर ये इजी है। नहीं नहीं मैं तो चला लूँगा, तो बंदा बैठ जाएगा तो बताना मेरा कल है तो एक ही बंदे की पड़ी। सर ये 400 वो कह रहा ये 2.5 सारा कुछ
जान दे जान दे। तो ये मैक्सिमम जो आज तक बना है ना बाइक के लिए साइज मैक्सिमम साइज यही है। ये भी टॉप स्पीड 299 ये सर 299 इसका इसी फ्लैश है 299 प्लस ले जाता है। अच्छा वो इसी फ्लैश है ना वो उसका लिमिटर हट जाता है। सही है इस टायर में भी ये स्पीड है नहीं इस टायर के साथ नहीं जाएगी लेकिन स्टॉक के साथ होगी। हां ये तो ओरिजिनली ये उस हालत में आती जितना ये हां जिस तरह ये टायर ये आपने फिर इसको ये आफ्टर मार्केट टूल मंगवा के लगाया। ठीक अच्छा और ये है यामाहा FZ6 नेकेड स्ट्रीट बाइक है फोर्स फेंडर यामाहा की है और ये उस्मान भाई है हमारे ग्रुप के। अच्छा क्या हाल है उस्मान आप ठीक हैं? शुक्र। और ये सर ये मारुति की है ड्यूल फेंडर है और ये जी तो ये इस वक्त आने वाले तमाम बाइक तक मौजूद है? नहीं सर अभी कुछ लोग जॉब पे और दूसरों से नहीं आ सके। अच्छा तकरीबन 5-7 बाइक हो कितने हैं टोटल आप तकरीबन 20 यहाँ पे आपको इसका मैकेनिक मिल जाता था? सर मैकेनिक हमारा अपना स्पेशल अच्छा वही करता है क्योंकि इसके लिए बड़ा बाइक नहीं कर सकते पेंशन बाइकों की बना लो Thank you.
अगर तू मौके तो गली में उस होटल में जवाना सा नहीं नहीं मौके तो नहीं आंदी अगले दिन लगती है आप ही बना लो फिर आप ही शेयर कर देना ठीक है भाई साहब हाँ वीडियो चलावांगे हमें इजाजत दीजिए कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी आज का टीवी।